please. बिस्मिल्लाह रहमान वहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस। ये हम गाजर का हलवा बना रहे हैं। ये 500 ग्राम गाजर है, ये 500 ग्राम गाजर है। अच्छे तरीके से धो के इसको खोपरा खींचने से खींच ली है ऐसे। और इसको सामान क्या क्या लगता है देखो। एक कटोरी शक्कर, 2 चम्मच मिल्क पाउडर, 10 से 12 बादाम, इसको से पतले पतले शेप में काटा लें, 10 से 12 काजू, थोड़ा खोपरा, 4 चिरंजी, इलायची, 2 से 3 चम्मच घी, देसी घी है ये, और 1 कप दूध। चलो अब इसको बनाएंगे मेरे स्टाइल में। प्यान अच्छे तरीके से गरम हो चुका है, अब 2 से 3 चम्मच घी डालना। उसे 3 चम्मच घी डालें, घी अच्छे तरीके से गरम हो गया, में से गाजर का पीछे अलग डाल देना। अच्छे से इसका पानी टिके तक इसको पकाना है धीमी आंच पे। ये 2 से 3 मिनट हो गए घूमते घूमते। पांच मिनट इसको ढककर पकाना है धीमी आंच पर। इसमें का पानी सूख चुका है, पानी सूख चुका है। अब इसमें शक्कर डालना है, अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। अच्छे से 2 से 3 मिनट भुनना है और 1 कप दूध भी डाल देना है। ये 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालना है। अच्छे से मिक्स करना है। दो 5 मिनट इसको अच्छा भूनना है। फिर से 5 मिनट हो चुके हैं हमारा, ये हमारा हलवे का चल गल चुका है। अब इसमें ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं। फिर से हमने एक प्यान रखी है, इसमें 2 चम्मच घी डाल। एकदम स्लो आंच करना है कि अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। इसमें बादाम 10 से 12, 10 से 12 काजू, खोपरा खींचे वाला, थोड़ी 4 चिमच। अच्छे से इसको हल्का भूनना है, हल्का भूनना है। तो ड्राई फ्रूट अपने पसंद से भून के नहीं भी डाले तो चलता है, सब डाले तो चलता है। नहीं भी भून के डाले तो इसकी भी करे तो चलता है। मैं हल्के हल्के फ्राई करके डाल रही हूँ घी में। तो भून चुके हमारा ड्राई फ्रूट। ये हमारा गाजर का हलवा बन चुका है। अब इसमें इलायची पाउडर डालना है।
ड्राई फ्रूट भून के रखे आलू बेग डालना है घी में। अच्छे से एक सेकंड इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये मिक्स हो चुका है। ये लजीज बन चुका है गाजर का हलवा, बेहतरीन लजीज। अब इसको डिश आउट कर रहे हैं। अब सर्व कर रहे हैं। बेहतरीन लजीज गाजर का हलवा बन चुका है। हमने गार्निशिंग भी कर दी है और काजू बादाम से गार्निशिंग करे हैं। बेहतरीन लजीज बन चुका है ये गाजर। बेहतरीन लजीज गाजर का हलवा बन चुका है लजीज। अच्छी अच्छी रेसिपी बनाने के लिए दुआओं में याद रखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में ज़रूर लिखकर बताओ कि ये रेसिपी कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।